सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से भारतीय नागरिक श्री कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में गैर कानूनी हिरासत के संबंध में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बारे में सदन को अवगत कराना चाहती हूँ। जैसा कि सदन को पता है कि 25 दिसंबर 2017 को श्री जाधव की माँ और पत्नी ने उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। ये मुलाकात राजनयिक माध्यमों से तय कराई गई थी। सभापति जी, अप्रैल 2017 में मैंने इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसमें श्री जाधव की सुरक्षा और कल्याण के लिए और उनको गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित किया था। सदन को ये पता है कि उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में श्री जाधव के पक्ष में एक याचिका दायर की और इस याचिका के फलस्वरूप हम अस्थायी तौर पर उनके मृत्युदंड को रुकवाने में सफल रहे। सभापति जी, ये मृत्युदंड श्री जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा एक उपहासास्पद तरीके से यानी फार्सिकल तरीके से चलाए गए मुकदमे में सुनाया गया था। श्री जाधव के जीवन पर मंडरा रहे खतरे को अभी टाल दिया गया है ICJ के जजमेंट के द्वारा और अब हम और ज़्यादा अधिक मजबूत तर्कों के आधार पर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा उन्हें स्थायी राहत दिए जाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सदन को मैंने ये भी बताया था कि इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके परिवार से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। इसलिए ये स्वाभाविक था कि हम उनके परिवार के सदस्यों की श्री जाधव से मिलने की इच्छा पूरी करने में सहायक बने ताकि वो स्वयं उनसे मिलकर उनके कुशल क्षेम के बारे में जान सकें। हम राजनयिक माध्यमों से निरंतर इस दिशा में प्रयास करते रहे जिसके चलते इस महीने पाकिस्तानी अधिकारियों ने श्री जाधव को उनकी माँ और पत्नी से मिलने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। सभापति जी, ये भेंट आगे की दिशा में बढ़ने वाला एक कदम साबित हो सकती थी, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि इन दोनों देशों के बीच बनी सहमति से हटकर इस मुलाकात का आयोजन किया गया। 22 महीने बाद एक माँ की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भाव भरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सभापति जी, परसों विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट की थी और कल इस मुलाकात से उपजी आपत्तियों को हमने राजनयिक माध्यमों के जरिए पाकिस्तान को भी बता दिया। उनमें से कुछ का उल्लेख मैं सदन में करना चाहूंगी। सबसे पहला, सभापति जी, हमारे बीच ये स्पष्ट समझौता था कि मीडिया को श्री जाधव की माँ और पत्नी के नज़दीक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को न केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया बल्कि उन्हें तरह तरह के अपशब्दों से संबोधित करके परेशान किया गया, ताने उलाने दिए गए, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उनके सामने श्री जाधव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। दूसरा, सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए। श्री जाधव की माँ जो केवल साड़ी पहनती हैं, उन्हें साड़ी के बजाय सलवार कुर्ता पहनने पर मजबूर किया गया। उनकी पत्नी की बिंदी चूड़ियां और मंगलसूत्र भी उतरवा दिए गए। यहाँ सुधार करना चाहती हूँ, केवल पत्नी की नहीं उनकी माँ के भी चूड़ी बिंदी और मंगलसूत्र उतरवा दिया गया। और यहाँ सदन में मुझसे कोई गलत बयानी न हो जाए इसलिए आज सुबह मैंने उनकी माँ से दोबारा बात की और पूछा कि क्या आपकी भी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवाया था, तो उन्होंने भरे गले से कहा कि जिस समय वो मंगलसूत्र उतरवा रही थी तो मैं ये कह रही थी ये मेरा सुहाग का चिन्ह है, इसे रहने दे, मैंने कभी नहीं उतारा। तो उसने ये कहा, जी मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो ऑर्डर है, ऑर्डर का पालन करना है। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि बैठते ही कुलभूषण ने मुझसे कहा, बाबा कैसे हैं, क्योंकि मेरे माथे पे बिंदी और मेरे गले में मंगलसूत्र ना होने के कारण उसे ये शक हो गया
कि शायद उसके पीछे से कोई अशुभ घट गया है। और ये कहते कहते उनका गला भर आया। दोनों की मतलब दोनों सुहागिनों को विधवा के रूप में पति और बेटे के सामने पेश किया। बेअदबी की इससे बड़ी इंतहा पाकिस्तान नहीं कर सकता। सभापति जी, श्री जाधव की माँ अपने बेटे से मराठी में बात करना चाहती थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से माँ और बेटे के लिए अपनी मातृभाषा में ही बात करना सुविधाजनक होता है। किंतु श्री जाधव की माँ को मराठी में बातचीत करने की इजाजत नहीं दी गई। मीटिंग में साथ बैठी दो पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें रोका गया, और जब वो अपनी बात पर डटी रही तो उनका इंटरकॉम बंद कर दिया गया ताकि वो आगे बातचीत ना कर सके। सभापति जी, भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जो परिवार के साथ इस मुलाकात के लिए गए थे, उनको बिना बताए परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया। इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं, उनकी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवा कर उन्हें मीटिंग में ले जाया जा रहा है, वरना वो वही विरोध जताते। उनकी अनुपस्थिति में बैठक शुरू कर दी गई और थोड़ी देर में जब उन्होंने पूछताछ की तब उनको बैठक के लिए ले जाया गया। सभापति जी, मुलाकात के बाद जो कार श्री जाधव के परिवार और भारतीय राजनयिक को ले जाने के लिए दी गई थी, उसे जानबूझकर रोककर रखा गया ताकि मीडिया को परेशान करने का एक और मौका मिल सके, वो और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर सकें और तरह तरह के कटाक्ष करके जाधव की माँ और पत्नी को तंग कर सकें। सभापति जी, श्री जाधव की पत्नी के जूते मुलाकात से पहले उतरवा दिए गए थे और अपनी ओर से चप्पल देकर मीटिंग में भेजा गया था। मीटिंग के खत्म होने के बाद उनके बार बार मांगने पर भी उनके जूते वापस नहीं किए गए। हमें लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारी इसमें कोई शरारत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने उन्हें कल भेजे गए नोट वर्बाल में सचेत कर दिया गया। लेकिन सभापति जी, हमारी आशंका सच साबित हो रही है। अब दो दिन से टीवी में चल रहा है, कभी कहते हैं जूते में कैमरा था, कभी कहते हैं चिप थी, कभी कहते हैं रिकॉर्डर था। इससे ज्यादा एब्सर्ड बात नहीं हो सकती। सभापति जी, इन्हीं जूतों को पहनकर जाधव की पत्नी दो दो फ्लाइट्स में गई है। यहाँ से एयर इंडिया में गई दुबई, और वहां से एमिरेट्स की फ्लाइट लेकर के वो गई इस्लामाबाद। चलिए आप कह सकते हैं कि शायद एयर इंडिया ने उसकी मदद कर दी होगी, लेकिन एमिरेट्स जैसी फ्लाइट में जो दुबई से इस्लामाबाद तक सफर कर सकी, जहाँ पूरा सिक्योरिटी चेक हुआ, वहां किसी को रिकॉर्डर नजर नहीं आया, किसी को चिप नजर नहीं आई, किसी को। लेकिन पाकिस्तान में पहुंचने के बाद, और अगर उसमें चिप थी तो ये जो इतना बड़ा मीडिया का तमाशा खड़ा कर रखा था, उसी समय दिखाना चाहिए था कि इसके अंदर ये चिप है। लेकिन अब शरारत करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, इट इज एन एब्सर्डिटी बियॉन्ड मेजर। ये एक ऐसा झूठ है जिसका पर्दाफाश एक सेकंड में केवल इस बात से हो सकता है कि जिन जूतों को पहनकर वो सिक्योरिटी चेक पार कर गई, वो जाके पाकिस्तान में उसमें रिकॉर्डर उनको दिखाई दे रहा है। सभापति जी, मुलाकात से लौटने के बाद उनकी माँ और पत्नी ने मुझे बताया कि श्री कुलभूषण जाधव काफी तनाव में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दबाव में बोल रहे थे। जैसे जैसे उनकी मुलाकात में बातचीत आगे बढ़ी, ये स्पष्ट हो गया कि उनके कैद करने वालों ने उनको जो सिखा पढ़ाकर भेजा था वो वही बोल रहे थे, और इसका उद्देश्य उनकी तथाकथित गतिविधियों की झूठी दास्तान को सही साबित करना था। उनकी बोलचाल और हाव भाव से पता चल रहा था कि वो पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हालांकि पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव को उनकी माँ और पत्नी से मुलाकात को एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग में मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। इस मीटिंग में तो केवल जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन पर उल्लंघन ही हो रहा था, और उन्हें भयभीत करने वाला एक वातावरण वहां पैदा कर दिया गया था जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्ण विश्वास से कहती, मुझे पूरा भरोसा है कि यह समूचा सदन और इस सदन के माध्यम से भारत के समस्त लोग एक स्वर से पाकिस्तान के इस अत्यंत अशिष्ट व्यवहार की पुरजोर निंदा करेंगे और श्री जाधव के परिवार के साथ
हार्दिक सहानुभूति प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें।